सर मटर पनीर खाना है। मटर पनीर क्या बात कर रहे हो, कितने पैसे तुम्हारे पास? 35 है। अबे 35 पैसे में मटर पनीर नहीं मिलता? आज तो खिलाए दो सर। अच्छा चलो आज तुम्हें 35 पैसे में मटर पनीर खिलाता हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है बीएलटो के परफ्यूम्स को रैंक करने का। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि जैसे जूते होते हैं, शूज होते हैं, 500 के बजट में बहुत ज्यादा अच्छे शूज नहीं मिल पाते हैं, पर जो 1000 से ऊपर का बजट है, 1000 से 2000 में भी अगर आप चले जाते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड शूज डिस्काउंट वगैरह में अच्छे ओरिजिनल मिल जाते हैं। वैसे ही दोस्तों परफ्यूम्स का थोड़ा सा सीन रहता है कि जो 1000 से कम का बजट होता है, खासकर ये जो 500 से भी कम का बजट है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लग्जूरियस क्वालिटी वाले परफ्यूम्स नहीं मिल पाते हैं। और यही वजह होती है कि एक बार जिसको प्रीमियम लग्जरी फ्रेग्रेंसेस का नशा चढ़ जाता है, फिर वो दोबारा सस्ते फ्रेग्रेंसेस की तरफ नहीं जा पाता, उसको कभी मजा ही नहीं आ पाता, और बहुत केसेस में उसका दिमागी संतुलन लगभग खराब हो जाता है और वो इतने परफ्यूम्स इकट्ठे कर लेता है जितने कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है। तो यार इस सारे बड़े कलेक्शन के एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आज हम क्या करेंगे कि बीएडओ के परफ्यूम्स को रैंक करेंगे। माना कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी कम पैसों में नहीं मिल सकती, फिर भी जो डिस्काउंट में 500 से कम का इनका बजट है, क्या वो आपकी जरूरतों को पूरी कर सकता है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे ज्यादा पॉपुलर मैंने इनके 10 परफ्यूम्स को यहाँ पर लिया है और उन्हीं को ही हम 3 कैटेगरीज में रैंक करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहली कैटेगरी है स्मेल की, यानी खुशबू की। तो अगर खुशबू में मुझे इन्हें रैंक करना हो तो सबसे नीचे रहेंगे ये दोनों, ये है बियर्डो का एक डार्क साइड और विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट। डार्क साइड की बोतल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो खुशबू है आपको ऐसा हो सकता है कि ब्यूटी चैनल की याद दिलाए, पर यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है यार, ब्यूटी चैनल को लोग 5000 रुपए के परफ्यूम्स में भी कॉपी नहीं कर पाया अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे आपको 500 से कम में क्या मिलेगा। तो इसी वजह से ब्यूटी चैनल का चाहिए, इन्होंने कॉपी करने की क्लोन करने की कोशिश करी, थोड़ी सी फ्रेश सी खुशबू है इसकी, पर इसके अंदर कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। दूसरा ये विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, इसकी खुशबू तो ठीक है पर ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और पोलराइजिंग है, इसके अंदर वो पान सुपारी वाली वाइब भी आती है आपको, जिसके साथ इशू ये रहता है कि वो गर्ल्स को जल्दी से पसंद नहीं आती है। हाँ मैच्योर लोगों को ये जरूर पसंद आ सकती है, मतलब जिनकी एज 30-35 साल से ज्यादा की है। और स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग परफ्यूम्स अगर आपको नहीं पसंद तो इससे आपको बचना है। 8 स्पॉट पर रहेगा दोस्तों विस्की स्मोक बर्बन, इसके अंदर जो आपको फील मिलेगी वो मिडिल ईस्टर्न थोड़े ऊद जैसी मिलेगी, और अगर आपने ला फ्रेंच का जो ऊद है 500 रुपए के कम बजट वाले ही वो एक परफ्यूम है, अगर मैं आपको अंदाजा दे पाऊँ तो उस जैसी सी आपको थोड़ी सी वाइब आपको मिलने वाली है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है ला फ्रेंच वाला और ये वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड लगता है बट जॉनरा वही है। नेक्स्ट हम चलेंगे जो है इनका ये माफिया, ये एक स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, जो अगर आपको पहले डेनवर का एक इवॉल्व नाम का एक आता था रेडिश कलर की उसकी बोतल होती थी, और फोक का जो ट्रम्प भी आता था, वैसे सी आपको वाइब मिलेगी, बट जो फोक का ट्रम्प था वो इससे ज्यादा अच्छा ब्रांड लगता था, तो ये उतना ज्यादा इसके अंदर आपको रिफाइनमेंट नहीं मिलेगी, पर अगर आपको स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये काम चला सकती है। नेक्स्ट 6 स्पॉट पर है ब्लैक मस्क, अगर इसकी खुशबू की बात करूं मैं तो इसके अंदर आपको स्पाइसी पाउडरी सी वाइब आएगी, जो इतनी तो सेटिस्फैक्ट्री रखती है कि ये 6 स्पॉट पर रखी जा सकती है। अगर इसके अंदर स्पाइसीनेस थोड़ी सी और ज्यादा होती तो इसको थोड़ी सी बुल्गारी मैन इन ब्लैक के जोनर में डाला जा सकता था, पर इसके अंदर वो स्पाइसीनेस कम है और ये ब्लेंड भी काफी अलग है, तो इसको बुल्गारी मैन इन ब्लैक से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप देखते हैं कि स्मेल में टॉप 5 में कौन कौन है, तो यहाँ पर 5th स्पॉट मिला है सुनामी को। सुनामी एक बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस है और ये आपको याद दिला सकता है थोड़ी थोड़ी सी हजारों के क्रोम परफ्यूम की। इसको जरा सा स्प्रे कर लेते हैं, क्या बात है यार, बहुत फ्रेश अपलिफ्टिंग से आपको वाइब मिलेगी इसके अंदर, जो कभी किसी को बुरी नहीं लग सकती। पर जो ये 4th स्पॉट पर है, इसमें ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये सबको उतना ज्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि इसका जो ब्लेंड है वो थोड़ा मैच्योर है, और ये है विस्की स्मोक। ये किसी का क्लोन वगैरह तो नहीं है, बट अगर मुझे आपको अंदाजा ही देना हो तो सपोज अगर आप लोगों को बर्बरी लंडन या उस जैसे टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपको उस टाइप की लगेगी। अब यार देखो समझो कि मुझे आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा देना ही है, इस वजह से मैं सिमिलर फ्रेग्रेंस कुछ उस टाइप के आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसा मतलब नहीं है। पर अगर आपको लंदन जैसे थोड़े से मैच्योर हल्के हल्के से सूदिंग क्रिस्प पर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। 3rd स्पॉट पर जो है इनका, ये आपको वर्साचे के एक परफ्यूम की याद दिलाएगा, ये है गॉडफादर। और वर्साचे के जिस परफ्यूम की आपको ये गॉडफादर याद दिलाएगा वो दिलाएगा वर्साचे हीरोज की। तो हीरोज जो है ये बहुत ही एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, पार्टी फ्रेग्रेंस है यार, और आपको पता है कि इतने कम बजट में आपको एग्जैक्टली कोई ऐसी फील तो नहीं मिल सकती, पर फिर भी
उसके क्लोन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ठीक काम किया हुआ है। इसके साथ प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि ये जो इंडियन वेदर है उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को नहीं ढाल पाता है, ज्यादा एकदम गर्मी हो जाती है तो आपको ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ा सा कोल्डर सीजन होते ही यार ये बहुत अच्छी तरीके से आपके अराउंड एक अच्छी फील बनाए रखता है। हीरोज की तरह ही इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आपको स्वीट बबल गम की खुशबू मिलेगी, बट पार्टी के लिए आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। पर साथ ही इसकी खासियत यह है कि ये खुशबू अट्रैक्टिव है। सेकंड स्पॉट पे जो एक और काफी अच्छी जो स्मेल मुझे इनकी लगी वो है ओरिजिन की। ओरिजिन की खुशबू यार बहुत ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी आफ्टर शेव जैसी लगती है और क्लासिक फ्रेश वाली वाइब है इसके अंदर। पर यार क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रांड लगता है। क्लासिक है, थोड़ा सा मैच्योर लोगों के लिए, जो पुराने टाइप के मैच्योर लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा लगेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि विस्की स्मोक की तरह 30 साल से ऊपर के ही लोगों को ज्यादा अच्छा लगे या फिर ज्यादा मैच्योर लगे, वैसा इसके अंदर फील नहीं है। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा सिट्रस ब्लेंड, बहुत अच्छा इसके अंदर एक थोड़ी सी शार्प अंडरटोन दी हुई है जो इसे एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनाती है यार। ओरिजिन बहुत अच्छा परफ्यूम, बहुत अच्छी खुशबू, क्या बात है। अंदाजा अगर आपको देना ही है तो जैसे वाइल्डस्टोन का अल्ट्रा सेंशुअल है या फिर जो शैनेल का प्लैटिनम अगेंस्ट है, उस टाइप के अगर परफ्यूम्स आपको पसंद है तो ये वैसे वैसे सी आपको वाइब देगा। मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूँ, एग्जैक्टली क्लोन नहीं बता रहा हूँ। पर जो नंबर वन है वो एक काफी एग्जैक्ट क्लोन है। इस प्राइस में क्या है कि उस परफ्यूम का क्लोन जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, लग्जरियस परफ्यूम का क्लोन, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो इस प्राइस में है, बट ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसका प्राइस मुझे अच्छा लगा, इसकी जो खुशबू है वो मुझे अच्छी लगी। द मैन कंपनी ब्लैक और ब्लो से ज्यादा अच्छा लगा ये है मरीनर, और ये आपको याद दिलाएगा डेविड ऑफ के कूल वाटर की। तो डेविड ऑफ कूल वाटर दोस्तों आपको पता ही होगा कितना ज्यादा मशहूर परफ्यूम है ये, और मरीनर आपको कूल वाटर की याद दिलाने वाला है। और कूल वाटर की तरह ही इसकी फ्रेश एक फील है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं लगती, पर कूल वाटर की तरह ही बहुत लोगों को इसके अंदर से डिटर्जेंट वाली वाइब भी आ सकती है। दोस्तों अब हम इन्हें रैंक करेंगे इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई सा परफ्यूम कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन पर आपके कपड़ों पर बना रहता है और उसका प्रोजेक्शन एंड सियाज कैसा है। प्रोजेक्शन और सियाज का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपका जो परफ्यूम है वो आपकी स्किन से कितनी दूर तक जा रहा है, और सियाज का मतलब है कि जो वो ओरा बना रहा है उसके अंदर कितनी ज्यादा डेंस फील है, वो कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स है उसके आपके अराउंड जो उसको और ज्यादा भर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जब किसी कमरे से उठते हो, चले भी जाते हो, तो भी जो उसका सियाज है वो वहां पर छूट जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस कैसे बनती है किसी परफ्यूम की, उसके अंदर सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती बल्कि प्रोजेक्शन एंड सियाज भी मैटर करता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सबसे वीक परफ्यूम है यहाँ पे, जो सबसे कम लॉन्ग लास्टिंग है, जिनका प्रोजेक्शन एंड सियाज उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो आपको मिलेंगे एक तो डार्क साइड, ये काफी कम परफॉर्मिंग सेंट है, और एक और है जो है ब्लैक मस्क, ये दोनों लास्ट स्पॉट पर ही आए। इनके बाद जो ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे वो रहेंगे एक तो ये सुनामी, और दूसरा जो इससे ज्यादा थोड़ा सा आपको लग सकता है वो है मरीनर। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगी। इसके बाद जो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो देगा ओरिजिन, पर ओरिजिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगने वाले हैं गॉडफादर और ये वाला, ये है माफिया। तो ये दोनों जो है ये आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग लगेंगे। और दोस्तों ये विस्की स्मोक की पूरी लाइन ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर मुझे बताना हो तो थर्ड रहेगा ये विस्की स्मोक, सेकंड रहेगा विस्की स्मोक बर्बन, पर यार आपको बहुत ज्यादा पागल कर देगा, एकदम बीस्ट मोड की तरह परफॉर्म करने लग जाएगा ये जो है विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट। तो ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। तो ये तीनों वीडियो के सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स हैं। हमारे थर्ड क्राइटेरिया पर चलते हैं कि इनको किस सीजन में लगाया जा सकता है और कहां पर लगाया जा सकता है, यानी कि किस ओकेजन में लगाया जा सकता है। तो अगर बियर्डो गॉडफादर की बात करें तो ये है एक पार्टी सेंट जिसको थोड़े ठंडे दिनों में लगाना ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा गर्मी होगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट ये भी सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में लगाओ क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड है, और ये भी सर्दियों में ही ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको भी गर्मियों में लगाने की कोशिश ना करो, प्लस इसके लिए आपकी जो एज है वो थोड़ी ज्यादा होनी जरूरी है। फिर सुनामी की बात करें तो दोस्तों ये एकदम फ्रेश कर देने वाला परफ्यूम आपको, तो आप इसे पूरी गर्मियों में कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, इवन आप इसे जिम में भी लगाकर जा सकते हो और ये आपको एकदम सूदिंग रखेगा। डार्क साइड की बात करें तो यार ये भी एक फ्रेश टाइप का एक परफ्यूम है, तो इसे भी आप कहीं भी लगा सकते हो, पर क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसमें नोटिस वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, और ये परफ्यूम तो गर्मियों का ही है। ब्लैक मस्क थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है खुशबू में, तो इसे आप अपने ऑफिस वगैरह में लगा सकते हो, और थोड़ी सी इसके अंदर प्रोफेशनल अट्रैक्टिव वाइब भी है, पर ये समर फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़े से ठंडे दिनों में ही ज्यादा अच्छी लगेगी, सपोज एसी एनवायरमेंट में अगर आपने लगाया तो भी ठीक लगेगा। विस्की स्मोक भी सर्दियों की फ्रेग्रेंस है और ये मैच्योर लोगों के ऊपर अच्छी लगेगी, तो यानी अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो ये आप पर ठीक लगेगी और सिर्फ सर्दियों में, बाकी इसे आप सर्दियों की नाइट टाइप के अंदर पार्टीज में भी लगा सकते हैं और आप कैजुअल इवेंट्स में भी लगा सकते हैं। विस्की स्मोक बर्बन और माफिया ये भी आपको सर्दियों की पार्टीज में ज्यादा अच्छे लगेंगे, सर्दी अगर ज्यादा होगी तो ये बर्बन थोड़ा सा ठीक लगेगा, हल्की सी कम सर्दी में आप माफिया भी ट्राई कर सकते हो, पर बर्बन के नाम से अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर कोई चॉकलेटी वैसी वाइब होगी उस टाइप की, एकदम कुछ ऐसे बर्बन वाली, तो वो वाली वाइब नहीं है इसके अंदर, ये उड टाइप का एक परफ्यूम है, तो आपको पता भी है कि उड टाइप के परफ्यूम्स को कहां लगाना है, किस जगह पर लगाना है, कब लगाना है। और इस माफिया को कम एज के जो
फ्रैग्रेंस है वो अपनी पार्टीज वगैरह में लगा सकते हैं। फ्रूटी फ्रैग्रेंस है, स्वीट है, तो उस हिसाब के लिए बनी है। और मरीनर को आप पूरी गर्मियों में कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी एज के मैनी से लगा सकते हैं। ये कूल वाटर का कलोन है यार, ये अच्छा लगता है। और ओरिजिन के अंदर खासियत ये है कि इसको आप स्प्रिंग डेज में भी लगा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसे फॉल में भी ट्राई कर सकते हैं, पर जो स्प्रिंग की डेज है वो इसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और गर्मियों में भी अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा सा आपको वर्सेटाइल फील देगा। तो दोस्तों इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से आप अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी रैंकिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है। और ये है फाइनल रैंकिंग ऑफ बियर्डो परफ्यूम्स। सबसे कम मार्क्स रहे यार 10 स्पॉट पर आया ये डार्क साइड। फिर 9 स्पॉट जो ग्रैब किया है वो किया है इसने, ये है ब्लैक मास बेचारा, पर 8 स्पॉट पे अपनी थोड़ी सी प्रेजेंस बता रहा है यहाँ पे माफिया। 7 स्पॉट के साथ धुआं यहाँ पर उड़ा चुका है विस्की स्मोक। 6 स्पॉट पर रहेगा बियर्डो का सबसे बीस्ट मोड परफ्यूम विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट। टॉप 5 की शुरुआत होगी 5th प्लेस से जो है सुनामी। इसके बाद क्या आती है सुनामी? नहीं यार, सुनामी नहीं आनी चाहिए। 4th प्लेस पर आ चुका है विस्की स्मोक बर्बन। और टॉप 3 में 3rd प्लेस मिला है गॉड फादर को, 2nd प्लेस मिल चुका है ओरिजिन को, और 1st बियर्डो का जो परफ्यूम आया है वो है मरीनर। यार मैं क्या करूं यार, मुझे टेंशन हो जाती है यार, मैं तो ऐसे डिप्रेशन में चला जाऊंगा, वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। है क्या हो गया? अबे यार लाइक नहीं करते यार, अभी ये काम करा ये सब फैला दिया, लाइक नहीं करते यार, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, क्या करूं यार लाइक्स पाने के लिए। ये मैं सुनामी लगा लेता हूं, कुछ इससे सुनामी आ जाएगी, क्या होगा यार लाइक्स की सुनामी ला दो यार, ऐसी ला दो यार। और इतने स्प्रेस लगाने होते हैं इनके, ये थोड़े से कम परफॉर्म करते हैं तो इनके साथ ये रहता है कि स्प्रेस जो है वो थोड़े से इंक्रीज कर लेना, मानसरा जैसे मत समझ लेना इन्हें कि 2-3 स्प्रेस लगाए और हो गया काम। लाइक कर दो, बाय।